दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तू कौन है रे? इस तरह दरवाजा को पीट रहे? कल रात को कुछ गुंडे मेरी मंगेतर को उठाकर इस किले में ले आए हैं, बाहर निकालो उसे। लड़की, गुंडे इस किले में? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया दोस्त? तू गलत एड्रेस पे आ गया, चल यहाँ से परमानेंट। उसके लिए बिना मैं नहीं जाऊंगा। ओए, अंदर गुस्सा चला आ रहा है? चल हट। केयर सिंह के होते हुए गुस्से का आ जाते हैं, लड़की ढूंढ रहे। चलो परमानेंट अंदर। दरवाजा खोलो। लगता है लड़के ने कुछ देख लिया। इससे पहले के मामला बढ़े, प्रिंस से पूछ लेना चाहिए कि लड़के का करना क्या है। वेलकम प्रिंस, वेलकम। उस इंस्पेक्टर के कत्ल की चश्मदीद का वहां लड़की को मेरे सामने पेश करो। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ब्यूटीफुल, खूबसूरत, ये तो है बुलबुल। ओह बुलबुल, ये तो शराब में डुबोया हुआ सोना है, अगर ये सजाए तो पिछलियां गिर जाएंगी। प्रिंस ने खूबसूरती और सादगी का ऐसा जलवा पहली बार देखा है। वाह वाह, ऊपर वाले की जितनी तारीफ की जाए कम है, किसी किसी को इतना खूबसूरत बना देता है कि आंखें ही नहीं हटती। मुझे आग लग गई है बुलबुल, तुझे देखकर ही चलने लगा हूं। तुझे छू लूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन तेरा ये अनछुआ रूप मुझे मजबूर कर रहा है। अब बुलबुल मेरी बाहों में आ जा, आ जा। देख, मैं तुझे यहां की जिंदगी के नशे में डुबो दूंगा। अच्छा प्रिंस, राय साहब आ गए। राजा साहब, बिना इतला, बिना टेलीफोन? शेर सिंह का फोन था कि राजा साहब गेट पे पहुंच गए। पूरे किले का नक्शा बदल दो, बुलबुल को ले जाकर तहखाने में डाल दो, मैं उनके स्वागत के लिए जा रहा हूं। मेरी पूजा कल रात से इस किले में कैद है। मैं रात भर इन पहरेदारों से, इन दीवारों से सर टकराता रहा, लेकिन मेरी कोई नहीं सुन रहा। आप यहाँ के राजा हैं, इंसाफ कीजिए। दो मावी तक इधर ही है, हट यहाँ से परमानेंट। नहीं शेर सिंह, कहने दो उसे जो कहना चाहता है। कौन नौजवान, क्या कहना चाहते हैं? कुछ गुंडों ने मेरी मंगेतर को उठाकर इस किले में कैद कर लिया। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? क्या अंदाजा है तुम्हें कि हमारे इस किले की कितनी इज्जत की जाती है? लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। प्लीज मुझे एक बार अपनी पूजा को ढूंढने अंदर जाने दीजिए। सरकार, हमका तो ये बबुआ सचमुच बहुत दुखी लागत है। अब सच झूठ का फैसला तो अंदर चल के हुई। ठीक है, सुनो नौजवान, हम अंदर जाकर तहकीकात करते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा यह दावा गलत निकला तो तुम्हें मुआफ नहीं किया जाएगा। शेर सिंह, अंदर आने दो इसे। इन दीवारों को चीखना चिल्लाना सुनने की बहुत आदत है। चल। तुम्हारी तकदीर तुम्हें उस काल कोठरी में ले आई है बुलबुल, जहां की खामोशी पड़ों पड़ों का दम तोड़ देती है। ये वो जगह है जो बहुत जल्द तुम्हें हमारी मर्जी के आगे झुकना सिखा देगी। चलो। Hello. Pranam, Dad. My dear son, my prince. So happy to see you, Dad. So am I. Namaskar, Prince Babua. Namaskar. कैसे हो तांडव काका? बस आनंद ही आनंद है Prince Babua. जब तीन पीढ़ी से राजा साहब की कृपा है तो चिंता काहे की। वेलकम वेलकम राजा साहब। नमस्कार राजा साहब। आखिर आपको हमारी याद आई गई। याद तो आती रहती है दीवान जी, लेकिन क्या करें, फुर्सत भी तो मिलनी चाहिए यहाँ आने की। अब की बार तबीयत कुछ लग नहीं रही थी, इसलिए सोचा कि तुम लोगों के साथ कुछ दिन रह लेंगे और उसके बाद सिंगापुर चले जाएंगे।
आइए राजा साहब। राजा साहब, आपने मेरी पूजा के बारे में पूछताछ की? हाँ प्रिंस, यह नौजवान मेन गेट पर बड़ा परेशान था। इसका कहना है कि एक लड़की को उठाकर इस किले में लाया गया है। लड़की? हुँ? और इस किले में? What nonsense! झूठ बोल रहा है। झूठ ये लोग बोल रहे हैं राजा साहब। मेरी पूजा इसी किले में है, उसे यहाँ लाते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपको क्या लगता है राजा साहब, जिस किले को लोग मंदिर की तरह मानते हैं उस किले में ऐसी कमीनी हरकत की जा सकती है? आप लोग चलिए, मैं अभी इसकी गलतफहमी दूर करके आता हूँ। आइए डैड। आइए राजा साहब। हाँ भाई, क्या हंगामा? कौन सी लड़की, कौन लाया इधर? चलो बाहर निकलो इसे। हटो, जाने दो मुझे। राजा साहब, ये लोग मुझे यहाँ से भगा देना चाहते हैं। ये लोग सच्चाई पर पर्दा डालना चाहते हैं। मैं अपनी पूजा को लिए बिना नहीं जाऊंगा। प्लीज राजा साहब, मुझे एक मौका दीजिए, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। अरे जो है ही नहीं, उसे ढूंढ कहां से लेगा तू? ये हमारे किसी दुश्मन का एजेंट भी तो हो सकता है। ओ का फिकर मत करो प्रिंस बबुआ, एजेंट हुई तो हमसे बच के कहां जाई? और फिर राजा साहब को अपना खानदानी दस्तूर भी तो निभाना है। ई दरवाजे से कौन फरियादी कभाव खाली हाथ नहीं लौटा। तांडव ठीक ही कहता है प्रिंस, हमें इसे एक मौका देना चाहिए। जाओ नौजवान, जाओ, सारा किला तुम्हारे सामने पड़ा है, जाओ ढूंढ लो उसे। थैंक यू सर। पूजा, 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 पूजा। अरे सत्यानाश हो बिमला, तेरा बेटा मेरे यहाँ डाका डालने आया, इसीलिए मेरी बेटी घर छोड़ के चली गई। तेरी शनि को तो राहु केतु खा जाए। अरे जादूगरनी तो तेरी बेटी निकली, जो मेरे शेर जैसे बेटे को खरगोश बना के उठा गई। तू चुप है, बहुत गड़बड़ कर रही तू। चौधरी बहुत सुन चुका इनकी। और नहीं तो क्या, चार दिनों के लिए हम बाहर के आ गए कि इन लोगों ने यहाँ तूफान खड़ा कर दिया कि बच्चों को घर छोड़ के जाना पड़ा। अरे ये सब किया करा है तुम्हारी बेटी का है न, वो हमारे घर आती न उसके पीछे पीछे हमारा बेटा जाता। तू उसे घर में नहीं रह सकती थी, उसी रात खड़े खड़े फैसला सुना देना जरूरी था। चार दिनों के लिए हमारा इंतजार नहीं कर सकती थी? अरे वो सूरज के बिना नहीं रह सकती तो क्या सूरज उसे तूफान में भटकने के लिए छोड़ देता? और ये सब तुम लोगों के कारण हुआ, तुम लोगों ने उन दोनों की जिंदगी में आग लगाई। बताओ अब कहां ढूंढूं मैं अपनी बेटी को, और ये केदार कहां ढूंढेगा अपने सूरज को? राजा साहब ने भी इस किले की शतरंज पर एक ऐसा मोहरा छोड़ दिया है जो कभी भी हमें शय या मौत दे सकता है। दिन रात आंधी की तरह मंडराता रहता है इस किले के अंदर। बस इतनी सी बात से घबरा गए प्रिंस? कसम है दीवान को अपनी दीवानगी की, या तो ये आंधी राजा साहब के रहते ही तिनके की तरह उड़ा दी जाएगी, या फिर इसी आंधी की भी राजा साहब के जाते ही इसी किले में समाधि बना दी जाएगी। और अगर उसकी समाधि बनने से पहले उसे उसकी पूजा का सुराग मिल गया तो उसके पहले उस बुलबुल के पर काट के उसके टुकड़े टुकड़े करके उसी तहखाने में दफन कर देंगे, खत्म कर देंगे उसे। नहीं जूली, उसे खत्म नहीं किया जाएगा, उसे तो जिंदा रखना है। वो बुलबुल अब मेरे कलेजे में उतर गई है, बस अब तो उसे गले से नीचे उतारना है, पी जाना है उसे। जहर का घूंट हो सकती है वो? नहीं, शहद ही शहद है वो। ओह, चुली से भी ज्यादा? ये तो तू मुझे खुद ही बताएगी उससे मिलने के बाद। देख जूली, तो एक काम कर, जब तक राजा साहब यहां है तो उससे मिलती रहना, उसके दिलो दिमाग में मेरे लिए नशा भर दे, एक और जूली बना दे उसे मेरे लिए। इस जूली के होते हुए दूसरी जूली की जरूरत क्यों प्रिंस? तू बहुत थक गई है जूली, मैं तुझे इस थकान से इस किले से आजाद कर दूंगा। सच? तुम्हारे साथ तुम्हारे लोगों को भी जो मेरी कैद में है। Thank you.
कौन हो तुम? मैं जानती थी इन सयादों की बस्ती में कोई ना कोई मेरी फरियाद सुनने वाला जरूर होगा। मजबूर बेबस और बेकसूर औरत की दिल का दर्द तो सिर्फ एक औरत समझ सकती है ना। नॉनसेंस, तुम मेरे लिए आजादी की रोशनी बनकर आई हो। अच्छा, इस कैद में मेरा दम घुट रहा है, मुझे इस कैद से, इन सलाखों के घेरे से बाहर निकाल दो। जब कोई बुलबुल कैद हो जाती है तो उसकी तड़प उसे और भी खूबसूरत बना देती है। जैसा सुना था उसे ज्यादा खूबसूरत पाया है तुझे। ब्यूटीफुल। कौन हो तुम? मुझे गौर से देख बुलबुल, मैं तेरे आने वाले कल की तस्वीर हूं। जैसे एक दिन इस कैद के सामने मैंने अपने घुटने टेक दिए थे, वैसा ही आज तू भी कर ले। इन अंधेरों को उजाला, इन पत्थरों को भूल और इस पिंजरे को अपनी तकदीर समझ ले। अपनी मर्जी से हमारे सांझे में ढल जा, वरना छू मत मुझे, हाथ मत लगा, तुम सबके हाथ खून से रंगे हुए हैं। यहाँ हाथों को रंगने के लिए मेहंदी नहीं मिलती बुलबुल, यहाँ तो हाथ खून से ही रंगे जाते हैं। खून और कत्ल यहाँ इस तरह से होते हैं जिस तरह ताश के पत्ते फेंके और उठाए जाते हैं। समझ गई मैं, तू भी इन पत्थरों की परछाई है, लेकिन सुन ले तू, मुझे नहीं बनना तेरे जैसी तस्वीर और ना ही चाहिए तेरे जैसी तकदीर। मुझे इस कैद से छूटते हुए देखेगी तू? उड़ना चाहती है तू? नहीं उड़ पाएगी। तू अपने पर कितने भी फड़फड़ा ले, इस पिंजरे से तू कभी नहीं निकल सकती। समझौता कर ले यहां के इन अंधेरों से और फिर देख, यहां का स्वर्ग तेरे कदमों में होगा। अपने हुस्न और जवानी के अशरफिया लुटाकर अपनी जिंदगी खरीद ले, वरना भूखों की इस बाजार में तेरी ये दौलत लुट जाएगी और जिंदगी तेरे हाथ नहीं आएगी।